नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के, आप सभी के एग्जाम फोरम से रिलेटेड काफ़ी आपके डाउट भी चल रहे थे, साथ में आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर भी करने वाला हूँ। जो आपका 2023 का जो एग्ज़ाम फोरम है उसको मैं आपको भरकर भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपना जो एग्ज़ाम फोरम है वो आप सभी भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में कुछ छात्रों के ये भी कमेंट थे कि सर हमें फोटो एंड जो सिग्नेचर है वो रिसाइज करना नहीं आता, फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करना नहीं आता। एक वेबसाइट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो काफ़ी स्टूडेंट क्या रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो अपना फॉरम है वो फ़ोन के माध्यम से भरते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर फ़ोन के माध्यम से ही बता रहा हूँ। वैसे मैं लैपटॉप के माध्यम से भी आपको बता सकता था, साथ में वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर रहते हैं जो आपको डायरेक्ट आप मतलब कि जो फोटो की साइज है जैसे JPG फॉर्मेट में करना चाहते हो, या उसकी लेंथ हो गई फोटो की, या उसकी विथ हो गई यानी जो चौड़ाई हो गई, वो आप आसानी से पेंट में जाकर उसको रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि फोन के माध्यम से किस प्रकार से आप रिसाइज वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। साथ में बीएड से रिलेटेड जो एग्जाम फॉरम में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी यहां पर मैं क्लियर करूंगा। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हमेशा की तरह, तो प्लीज़ जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के स्टूडेंट हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आता रहता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर हो चुकी है बात, अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। आने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, UOK करने के बाद में आपको सर्च कर लेना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट का, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा स्टूडेंट पैनल मेन एग्जाम 2023, तो सिंपली जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही में कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर आपको दी गई है कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने के उपरांत तकनीकी कारणों से ट्रांजेक्शन फेल अगर हो जाता है, नहीं होने की स्थिति में कम से कम 48 घंटे तक दोबारा भुगतान नहीं करें, यानी कि आपको 48 घंटे 24 आवर तो आपको वेट करना है जिससे कि आपका जो पेंडिंग शो कर रहा था वो वेरीफाई हो जाए, और 48 घंटे तक आपको एक तरीके से दोबारा पेमेंट नहीं करना है। ये ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती है। साथ ही में ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल का प्रयोग आपको ज़रूर करना है, ठीक है? अब देखो अगर आपकी एक क्लास की दो या दो से अधिक मार्कशीट है, देखो मार्कशीट अपलोड करते समय आपको मार्कशीट की केवल सिंगल इमेज ही आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। साथ ही में आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि MA, MCOM, MSc के नियमित छात्र सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरे, वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से जमा करवाएं। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म भरने के बाद में आपको जो उसकी हार्ड कॉपी है वो आपको विश्वविद्यालय में जमा करवानी है। साथ में आपको दो निकलवा लेना, एक अपने पास और एक आप विश्वविद्यालय में जमा करवा देना। अब यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे यहाँ पर अपन रेगुलर के लिए भर रहे हैं तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जैसे एक्स स्टूडेंट हो यानी कि आप पूर्व छात्र हो तो पूर्व छात्र के लिए अप्लाई कर लेना, या आप जैसे रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर लेना। तो जैसे मैं यहाँ पर रेगुलर के लिए आपको बता रहा हूँ, तो रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं, देखो एजुकेशन पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन शो जाएगा। अब देखो एजुकेशन का मतलब ये है कि जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड का अभी तक यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। देखो क्लास नोट अवेलेबल यानी कि अभी एग्जाम फॉरम आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं, या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर भी कर दूंगा। अभी देखो कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं थोड़ा पेशेंस रखे, जब एजुकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है? तो सेमेस्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेमेस्टर का सब कुछ शो जाता है। सेमेस्टर के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में जो एनुअल के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ यूजी के लिए, ठीक है? प्रोफेशनल पर क्लिक करोगे तो प्रोफेशनल में जैसे जैसे बीसीए वगैरह जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आ जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बीसीए, बीबीए, एलएलबी, बीएसएफ, बी कॉमर्स, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है?
तो यहाँ से अपन देखते हैं यूजी के लिए भर रहे हैं, तो यूजी के बाद में आपको सेलेक्ट करना कर लेना है, जैसे अपन बीएससी के लिए अप्लाई करते हैं। तो बीएससी में जैसे अपन देखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, देखो अगर आप सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर के रोल नंबर होना नेसेसरी है, थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेकेंड ईयर के रोल नंबर होना नेसेसरी है। तो ये चीज़ें आपको खुद को ध्यान रखनी होगी, ये चीज़ें आपको कोई भी बताने नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपके सामने फेस करने को मिल सकती है, इसलिए मैं उन चीज़ों के बारे में पहले ही आप सभी को बता देता हूँ। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी है क्लियर। अब उसी के बाद में आपको जैसे यहाँ पर जेंडर है, जेंडर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से जैसे मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, तो मेल कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जैसे कॉलेज है, कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कॉलेज रहती है, जैसे काफ़ी कॉलेज रहती है, जिस कॉलेज से आप अपनी जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको वो कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कॉलेज दी गई है, तो इनमें से आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो फ़ोन से भर कर बता रहा हूँ, जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो मैंने लैपटॉप से बनाया था, जो कि काफ़ी आसान था, तो जिससे कि आप आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ से मैं फ़ोन से और बता रहा हूँ कि जिससे कि काफ़ी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि आप फ़ोन से बताइए, तो मैं फ़ोन से भर कर बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर ली, इसके बाद में जो चालान यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक तो बीएससी पार्ट के अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर आप डाल देना, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर जैसे 12th के रोल नंबर है वो डाल देना है। तो यहाँ पर मैं मेरे अपने डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे पास किसी अदर स्टूडेंट के रोल नंबर वगैरह नहीं है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड से ही अपनी 12th किया होगा सभी स्टूडेंट ने। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, जब क्लिक कर दोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपली अपना नेम शो हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका फादर नेम और यहाँ पर मदर नेम, तो ये सब कुछ शो जाएगा। तो इसके बाद में आप जैसे सिंपली यहाँ पर प्रेस करोगे हिंदी में, तो हिंदी में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मेरा नेम है पवन कुमार शर्मा, तो ये ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो ये यहाँ पर आ चुका है, जब यहाँ पर करोगे ये भी आ चुका है, यहाँ पर करोगे ये भी आ चुका है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपको शो जाएगा। अब इसके बाद में आपको फोटोज एंड जो सिग्नेचर है उनमें काफ़ी छात्रों को दिक्कत आती है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आपको एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है, ये कर लिया, जैसे न्यू टैब ओपन कर लेनी है, तो यहाँ पर किसी भी वेब ब्राउज़र पर चले जाना, काफ़ी जैसे वेब ब्राउज़र रहते हैं, गूगल हो गया या आपका जैसे क्रोम हो गया, आप किसी भी वेब ब्राउज़र पर जाना। जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है रीसाइज, ऑनलाइन रीसाइज। ठीक है, ऑनलाइन रीसाइज, ठीक है, ऑनलाइन रीसाइज, इस नेम से आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, सर्च करते हो तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देखो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट। ठीक है, इसको आपको ओपन कर लेना, आपकी चाहे कैसी भी फोटो कितनी भी ज़्यादा जैसे MB में हो, अगर फोटो की मतलब कि एक तरीके से फोटो MB में हो तो उसको एक तरीके से KB में इसके माध्यम से कर दिया जाता है। अब देखो मैं करके भी बता देता हूँ, काफ़ी छात्रों का डाउट रहता है, जैसे यहाँ से मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, फाइल से कोई सी भी जो ईमेल रहती है वो इमेज है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में जाकर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो लगातार आपको मैं अपडेट करते आ रहा हूँ। देखो जैसे ये इमेज है, अब देख सकते हो ये इमेज आपको 4 MB में है, मतलब कि 4.49 MB में है। अब देखो इसको मैं KB में करके आपको बता देता हूँ, तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। देखो सम सेलेक्टेड इमेजेस आर नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ सेलेक्ट JPG। अब देखो JPG फॉर्मेट में ही अगर आपकी इमेज रहेगी तो ही आपकी सेलेक्ट हो पाएगी। ठीक है, JPG फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादातर जो इमेज रहती है वो JPG फॉर्मेट में रहती है, बाकी देखो मैं और भी इमेज देखता हूँ, क्या पता कोई ऐसी इमेज मिल जाए, मैं देख रहा हूँ लगातार, जैसे कि कोई भी इमेज ले लीजिए, वैसे मेरे पास वैसे इमेज नहीं है, ये भी JPG फॉर्मेट में नहीं है, JPG फॉर्मेट में तभी आती है जब लैपटॉप वगैरह में रहती है ना फोटोज़, तभी ये फोटोज आती है, बाकी देखते हैं कोई फोटो मिल जाए, तो मैं लगातार यही देख रहा हूँ कि कोई ना कोई फोटो तो मिल जाए JPG फॉर्मेट की जो कि यहाँ पर अपलोड कर सके। अभी देखो कोई भी ऐसी फोटो यहाँ पर अपन को शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे देखते हैं,
यहाँ पर शायद फोटोज नहीं शो कर रही है। यहाँ पर देखो अभी मेरे पास फोटोज़ नहीं है, अगर फोटो आपको मिल जाए सेलेक्ट इमेज पर आपको क्लिक कर लेना है और वो फोटो है जो भी फोटो रहती है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं देखता हूँ शायद कोई फोटो पड़ी हो, डाउनलोड्स में देखता हूँ एक मिनट। यहाँ से देखता हूँ, हाँ देखो ये फोटो मिल गई, ये फोटो है। जैसे ये फोटो इसकी साइज है, वो साइज भी आप देख सकते हो, जैसे 4 MB की फोटो है, ठीक है 4 MB की ये फोटो है। अब देखो इसको क्या करना है, सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, परसेंट का तो रहता है लेकिन यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। देखो क्वालिटी, ठीक है, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसको कम कर देना है। देखो 90% तो ऑलरेडी है और 4 MB की फोटो है, तो जैसे मैं इसको कर देता हूँ 20, ठीक है 20% मैंने कर दिया। 20% करने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है जैसे मैंने 20% कर दिया, और 20% करने के बाद में आपको रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो रिसाइज करने के बाद में अब ये फोटो की वो देखो क्वालिटी, ये मतलब कि कितनी क्वालिटी है। अब देखो 165, यानी कि 4 MB से डायरेक्ट ये 165 KB में आ चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सब कुछ कर सकते हो, और इसका फॉर्मेट भी डायरेक्ट JPG बन जाएगा। ये देखो JPG फॉर्मेट ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने साइन वगैरह को फोटो खींच लेना, फोटो खींच के उसको क्रॉप करके फिर यहाँ से आप उसको एडिट वगैरह कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। अब देखो ये 100 इसको इस फोटो को आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में आपको डायरेक्ट अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लगातार कोई नहीं बताएगा। अब देखो ये फोटो हो गई है, इसके बाद में जैसे कोई भी सिग्नेचर है, सिग्नेचर को आपने जैसे कर लिया, अभी देखते हैं देखो इसकी वो देखते हैं लेंथ कितनी है, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ है यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि 100 KB मैक्सिमम जो इमेज साइज है वो 100 KB होना चाहिए, 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और फोटोज़ का देख सकते हो 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको देखो 100 KB का आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने इसको 4 MB से इसको मैंने वो तो कर दिया है 165 में। अब देखो और भी कम करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको 70, 70 करने के बाद में यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिसाइज इमेज। अब देखो इसकी साइज देखो 461 हो चुकी है, यानी कि बढ़ चुकी है। अब मैं और भी कम करता हूँ उसको, इसको करता हूँ मैं 10, यहाँ से रिसाइज पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो 94 आ चुकी है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड मैंने कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में अब एक सिग्नेचर यानी 50 KB तक का, 50 KB तक का कोई सिग्नेचर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे पास सिग्नेचर है नहीं, बाकी देखते हैं अगर कोई अपलोड होता है तो। अब देखो ये 43 KB की इमेज है, ठीक है अब इसी को अपलोड कर देते हैं। अगर 43 KB की है तो इसको और भी कम करना है, तो रिसाइज इमेज पर क्लिक करके 5 KB की ये हो चुकी है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कर लेना है, अब मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ। चूज फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है, जब चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देख सकते हो जितना यहाँ पर प्रोसेस लग रहा है उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। 97 KB की ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, ठीक है ये फ़ोटो अपलोड कर दी। अब यहाँ से मैं साइन अपलोड कर रहा हूँ, ये आपको अपने ओरिजिनल अपलोड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओरिजिनल अपलोड करना है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो मैं वैसे ही अपलोड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कोई नहीं समझाएगा इतना डिटेल से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये एरर आ चुकी है, आपके सामने एरर आ चुकी है। देख सकते हो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर हाइट में भी दिक्कत आ रही है, जो चौड़ाई है उसमें भी दिक्कत आ रही है, और KB वगैरह में भी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। बाकी देखो अब मेरे पास ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास थे लैपटॉप पे, इस वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन बाकी काम मेरा था समझाना, अब वो समझा दिया। अब देखो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आगे पास जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको अपना पता यानी जो आपका एड्रेस है, एड्रेस आपको डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद में आपको जो अपना कॉलेज है, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो जो सब्जेक्ट है BSc फर्स्ट ईयर में चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए आपके
साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट तो आपके रहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट है वो, सब कुछ आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। लास्ट में आपका फॉर्म शो जाएगा, यानी कि पूरा फॉर्म शो जाएगा, साथ में वहाँ पर फॉर्म फीस भी आपको शो जाएगी कि ये फॉर्म फीस आपकी रहने वाली है। और इसी के साथ में आपको मैं फॉर्म फीस भी बता देता हूँ, जैसे आपकी BSc की और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनकी फॉर्म फीस है वो क्या रहेगी, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर ये चीज़ें डाल दी है। अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए, अब देखो अगर आप UG BA BSc BCom पार्ट फर्स्ट की स्टूडेंट हो तो आपकी जो फीस रहेगी चालान 1875 आपकी रहने वाली है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट हो तो 1910 रुपये रहेगी। और अगर आप मतलब कि नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो तो 2930 रुपये आपके रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट की है, ये सेकेंड की है, ये थर्ड की है। इसी के साथ में PG फाइनल ईयर की है, फाइनल ईयर के जो फर्स्ट ईयर की बात करें जैसे BEd की, तो BEd के 3615 रुपये रहेंगे रेगुलर के लिए, एक्स के लिए 3738, और सेम ही ये रहने वाले हैं, यानी जो ये पैसे रहेंगे सेम ही ये आपके नॉन कॉलेज के लिए भी रहने वाले हैं। तो ये आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या टेलीग्राम पर देख लेना, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही में पार्ट फर्स्ट में फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ये आपको चाहिए होंगी जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरोगे। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ करने के बाद में आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई मित्र के माध्यम से आप एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो सबमिट कर सकते हो। वहाँ पर आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो दर्ज करने के बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट जाएगा। तो वहाँ से आपको दो प्रिंट आउट ले लेने हैं, एक विश्वविद्यालय में जमा करवा देना है और दूसरा अपने पास में रख लेना है सबूत के तौर पर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका रहने वाला है, जो कि यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है, और ये पॉइंट भी मैंने फ़ोन के माध्यम से ही आपको क्लियर किया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।